समझ ही नहीं है कि ये किस चीज की धुन थी। जी हाँ, मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। हाय, दिस इज जागृति चौधरी एंड बॉलीवुड लोकल में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आपने अभी फ्लूट सुना जो कि बहुत ही रेयर इंस्ट्रूमेंट है और सबसे ओल्डेस्ट भी है, और तो फिर इसको बजाने वाले लोग या प्ले करने वाले आर्टिस्ट भी रेयर ही होंगे। तो आज बॉलीवुड लोकल के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पलक जैन। वेलकम टू बॉलीवुड लोकल पलक। पलक फ्लूट प्ले करती है, तो आज जानेंगे इनकी जर्नी की फ्लूट कैसे सीखा, क्यों फ्लूट ही चूज किया, क्योंकि बहुत टफ है इसे बजाना, एज यू नो। सो आप बताइए कि कैसे आपने इसकी बिगनिंग की स्टार्ट की कि फ्लूट मुझे बजाना है। सो मैंने फ्लूट बजाना लाएंगे उस पहले शुरू किया। और मेरे इंस्पिरेशन मेरे पापा थे, क्योंकि वो 20 ईयर्स से फ्लूट बजाते हैं ऑलरेडी। तो उन्हें देख के मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी म्यूजिक में आगे बढ़ना है। तो उस वजह से मैंने फ्लूट पिकअप किया एंड या हियर आई एम। सो इट्स टफ टू प्ले। या इनिशियल स्टेज में थोड़ा टफ होता है, बट वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट इट्स वेरी इजी। तो कौन कौन से सॉन्ग्स और चीजें की है आपने फ्लूट के साथ? जब मैंने फ्लूट बजाना स्टार्ट किया तो मैं क्लासिकल बजाती थी, बट नाउ आई एम मोर टुवर्ड्स बॉलीवुड। सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह ये सब बजाती है आप? यस। यूट्यूब चैनल भी आपका गोल्डन नोट्स करके। गोल्डन नोट्स नाम कैसे रखा? सबसे पहले ये जो चैनल था वो मेरे पापा ने स्टार्ट किया, क्योंकि वो सैक्सोफोन भी बजाते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने द गोल्डन नोट्स रखा, बिकॉज अ सैक्सोफोन इज यूजुअली गोल्डन इन कलर। चैनल वॉज बेसिकली फॉर हिमसेल्फ, बट देन मैंने फिर इंटरेस्ट दिखाया, इवन आई स्टार्टेड प्लेइंग, आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग वीडियोस, तो पापा ने मेरे भी वीडियोस उसमें डाले एंड दैट्स व्हाई द गोल्डन नोट्स। और आपको बता दें कि रिसेंटली इन्हीं के एक सॉन्ग ने इन्हीं के चैनल गोल्डन नोट्स पर 10 मिलियन व्यूज आ गए। विच सॉन्ग इज दैट? कौन तुझे यूं प्यार करेगा। कौन तुझे यूं प्यार करेगा को ये प्ले करके दिखाइए अभी, जस्ट प्ले प्लीज। तो आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है फ्लूट पे, क्या प्ले करती है? मुझे बॉलीवुड सॉन्ग्स बजाना बहुत पसंद है, जो ओल्ड 90s 80s के गाने हैं। तो मैं वो आरडी बर्मन, उनका म्यूजिक मैं बहुत बजाती हूँ उनके ट्रैक्स पे। तो हाँ, मुझे वो टाइप के गाने बहुत बजाने बहुत पसंद है। बट मैं क्लासिकल भी बजाती हूँ, बहुत सारी रागाज भी प्रैक्टिस करती हूँ, एंड आई एम टुवर्ड्स क्लासिकल टू। ओके, तो बट लेकिन फिल्म में इस इंस्ट्रूमेंट का लाइक यूज जो है वो काफी कम हो गया है, क्योंकि अधिकतर लोग गिटार या पियानो और दूसरे अदर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो आपको कैसा लगता है इसके रिगार्डिंग कि बॉलीवुड में इसका जो यूज है वो ज्यादा होना चाहिए, ताकि हम जैसे आर्टिस्ट को भी मौका मिले? हाँ जी, तो होना तो चाहिए, बट आई होप आई कैन मेक अ चेंज, आई कैन गो इन बॉलीवुड एंड मेक अ चेंज अबाउट दैट। ओके, वी वांट यू टू मेक अ चेंज, बिकॉज फ्लूट बहुत प्यारा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आजकल के सॉन्ग्स में, आजकल के म्यूजिक में और संगीत में इसकी ज्यादा जगह रह नहीं गई है। स्टेज शोज आप करती हैं, इवेंट्स करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि वहीं तक सीमित रह गई है फ्लूट? अभी तो मैं वही इवेंट्स और शोज कर रही हूँ, बट आई होप जस्ट अभी मैं 10th में हूँ, तो आफ्टर 10th
आई वुड लाइक टू एंटर बॉलीवुड एंड एक्सप्लोर मोर ऑफ माई म्यूजिक. ओके, तो स्टडी के चलते आप इसको कितना टाइम दे पाती है? स्टडी साइड बाय साइड मैं कर लेती हूँ, को मतलब इतना टफ नहीं है. लाइक आई स्टडी फॉर सम टाइम एंड देन आई प्रैक्टिस आल्सो. ओके, तो ये है, ये फ्लूट प्ले करती है और बहुत टाइम से प्ले करती हुई आ रही है. अपने डैड से इन्होंने इंस्पिरेशन ली है और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मैं दिखा दूँ आपको, कितनी सारी यहाँ पर फ्लूट्स रखी हुई है. तो इट्स ब्यूटिफुल टू प्ले एंड इट्स ब्यूटिफुल टू कनेक्ट विद द म्यूजिक, द काइंड ऑफ म्यूजिक शी प्लेज. तो बहुत सारा आजकल आप इतना हमें बताइए कि इंडस्ट्री में जिस तरीके के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी आ रहे हैं उनमें भी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, चेंज होते जा रहे हैं. पहले केसियो अलग होते थे, फिर पियानो भी अलग होते थे. तो वैसा फ्लूट में कोई चेंज है क्या टेक्नोलॉजी? नहीं, वैसा नहीं है. इट्स अ बैम्बू फ्लूट, सो मेबी इसमें कोई चेंज नहीं. नहीं, तो ये बहुत सारे काइंड ऑफ फ्लूट्स है. डिफरेंट स्केल्स के फ्लूट्स है, लाइक ए ए शार्प, बी सी सी शार्प. वी आर वेरी ग्लैड कि हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज बात कर रहे हैं जो कहीं गुम ही हो गया था. गुम दरअसल नहीं हुआ है, ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, लेकिन बजाने वाले कितने आर्टिस्ट हैं वो हमें कम ही देखने को मिलता है. तो एनीथिंग एल्स पलक यू वांट टू प्ले लाइक फ्रॉम 60s एंड 70s? श्योर श्योर. आपने वो गाना सुना होगा, आजा सनम मधुर शांति. हाँ, या मैं मेरी गाने की कोशिश करती हूँ. एक्चुअली सात शुद्ध स्वर होते हैं, चार कोमल और एक तीव्र म होता है. तो उस हिसाब से 12 स्केल्स होते हैं या 12 स्वर होते हैं. तो उस हिसाब से मेरे पास भी 12 फ्लूट्स है, हर स्केल के लिए एक फ्लूट. हाँ जी, तो जैसे कि एक स्केल की दो भी फ्लूट्स हो सकती है, एक बेस फ्लूट और एक मिडिल ऑक्टेव फ्लूट. तो जैसे कि ये वाली है, ये डी स्केल है, तो ये बेस फ्लूट है. तो मैं आपको एक बार बजा के सुनाती हूँ. क्या इसका
फ्यूचर देखती है आप बॉलीवुड में और म्यूजिक इंडस्ट्री में? जी जरूर, इस इंस्ट्रूमेंट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है बिकॉज मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल कनेक्ट विद मी एंड अ लॉट ऑफ पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड कि बहुत लोग हैं जो इस इंस्ट्रूमेंट को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत लोग इसे बजा भी रहे हैं. तो आई थिंक अभी ये इंस्ट्रूमेंट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है एंड मुझे बहुत सारे विशेज भी आते हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, न्यूयॉर्क, कनाडा से कि वो खुद भी ये इंस्ट्रूमेंट ट्राई कर रहे हैं और वो खुद भी बजाने की कोशिश कर रहे हैं. तो आई थिंक यस, ओवरऑल ये इंस्ट्रूमेंट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. तो दैट्स वेरी गुड कि इनका मानना है कि जो इंस्ट्रूमेंट ये प्ले करती है वो आगे बहुत ज्यादा जाने वाला है. लेकिन आप इस पे कितनी मेहनत करती हैं, जितना आपको इंस्पिरेशनल मैसेज आ रहे हैं क्या आप उनका रिवर्ट करती हैं? जी जरूर करती हूँ मैं. मैं अभी पढ़ भी रही हूँ तो मैं उतना सबसे कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, बट पढ़ाई के साथ साथ मैं खुद की प्रैक्टिस भी करती हूँ और आई टेक क्लासेस, फ्लूट का क्लासेस. तो पूरी लाइक बहुत सारे लोग सीखने के लिए आते हैं. हाँ जी, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि फ्लूट जिस इंस्ट्रूमेंट को आप प्रमोट भी कर रहे हो, प्ले भी कर रहे हो. फ्लूट्स की टेक्निकलिटी की हमने बात की तो इसमें हम कंपैरिजन करते हैं क्योंकि इंडिया में हमने तो यही फ्लूट्स देखे हैं जो बाबू फ्लूट्स है, लेकिन आप जैसे बता रही कि वेस्टर्न में वो की वाला भी फ्लूट होता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? वो फ्लूट बेसिकली मेटल या स्टील से बनी जाती है और ये फ्लूट जो है वो बैम्बू से बनी जाती है. तो आई थिंक जो हमारी इंडियन बैम्बू फ्लूट है वो उसकी फ्लूट या मेरे ख्याल से बेटर होती है बिकॉज दिस फ्लूट इज कनेक्टेड विद नेचर, ये नेचुरली बना है. तो इसमें ज्यादा इमोशंस या ज्यादा फीलिंग्स आती है. सो आई थिंक इंडियन बैम्बू फ्लूट इज बेटर देन द चीफ फ्रूट. जैसे हमने बैम्बू फ्लूट की बात की कि इसमें आपने बताया कि बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं, बहुत सैडनेस के साथ और फीलिंग के साथ हम इसमें प्ले कर सकते हैं, जैसा कि वेस्टर्न कल्चर वाले फ्लूट में नहीं होता होगा. तो देन वन सॉन्ग ऑफ योर दिस टाइटैनिक वाला हमने धुन सुना था आपका, तो उसे प्लीज एक बार प्ले करके दिखाएं. इंस्ट्रूमेंट लाइक हमारे हिसाब से तो टफ है इनको सीखना,
और एक बार शायद सीख जाए तो फिर ये इजी हो जाते होंगे प्ले करना. तो ये जैसे कि फ्रूट्स आप बजाई लेते हो, तो आप जब स्टेज परफॉर्मेंसेस करते हो तो वो कहाँ कहाँ परफॉर्म कर रहे हो अभी? तो मैं अगर जब एनजीओज या फंड रेजर प्रोग्राम्स में बजाती हूँ तो मैं और मेरे पापा साथ में बजाते हैं, बट प्राइवेट इवेंट्स और उन सब में मैं सोलो बजाती हूँ. तो कैसा, क्या अच्छा लगता है, पापा के साथ प्ले करना या सोलो प्ले? पापा के साथ प्ले करना बहुत पसंद है, वो जुगलबंदी, वो जो कनेक्शन होता है उनके साथ, वो उसमें बजाने में बहुत मजा आता है. ठीक है, ओके. तो इसके सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स और क्या क्या हो सकते हैं, लाइक आप किसके साथ सपोर्ट करके इसको प्ले करते हो? मैं बेसिकली कैरियोके ट्रैक्स पे बजाती हूँ और लाइव भी बजाती हूँ, तो गिटार, ड्रम्स, पियानो, फुल. और फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, इसको और सैक्सोफोन को अलग रखे तो? फेवरेट इंस्ट्रूमेंट मेरा ड्रम्स है. ड्रम्स है, हाँ. अच्छा, वो ओके. इससे फ्लूट सीखी आपने, लाइक बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के लेजेंडरीज के नाम आते हैं जैसे हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित जी, हाँ. तो उनमें से किसी से सीखा हो या किसी से इंस्पिरेशन ली हो? मेरे सबसे पहले गुरु मेरे पापा है. ओके. तो जब मैंने पहली बार फ्लूट हाथ में ली थी तो मेरे पापा ने ही मुझे सिखाया है. तो आज जो भी हूँ स्पेशली मैं मेरे पापा की वजह से हूँ. और मैं पंडित जी से पर्सनली मैं और मेरे पापा मिले हैं, बट मैंने उनके सीनियर डिसाइपल्स पंडित हिमांशु नंदा जी से, पंडित आनंद काशिकर जी से, जय ठक्कर जी से, इन सब से सीखा है. सब सीखा है. तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे लोग जिनके भी इन्होंने भी नाम लिए, ये सब पंडित जी के, हरिप्रसाद चौरसिया जी के डिसिपल हैं और सब उनसे सीखे हैं और आज दिग्गज कलाकार बन गए हैं. तो अभी फ्लूट सीखने के अलावा आप सिखाती भी हैं? हाँ जी. तो ये टीच भी कर रही हैं और देखिए प्रैक्टिस भी कर रही हैं, इतना सारा सब कुछ कर रही हैं. यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलेंगी. ये सिर्फ बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स है, और मैं अभी और क्लासिकल डालने की भी सोच रही हूँ. एंड आई एम गोना बी स्टार्टिंग विद ट्यूटोरियल्स टू. ओके, फॉर बिगिनर्स. यस, फॉर बिगिनर्स. तो ये इनके चैनल पर आप देख पाएंगे और इनका ये पूरा इंटरव्यू आप बॉलीवुड लोकल पर देख पाएंगे, जहाँ पर इन्होंने शुरू से लेके आखिरी तक अपनी जर्नी बताई. शुरू से इन्होंने बताया कि फ्लूट जो कि एक रेयर इंस्ट्रूमेंट है, आप सभी देख सकते हैं ये इस तरीके से, हमने सिर्फ एक टाइप इसका देखा होगा, लेकिन इसकी सारी टेक्निकलिटी और इसके डिफरेंशिएशन इन्होंने बताए कि ये बहुत अलग अलग टाइप की होती है, 12 टाइप्स की होती है, 12 डिफरेंट स्केल्स के लिए, और दूसरी कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में अलग की वाली फ्लूट होती है, अपने यहाँ बैम्बू फ्लूट होती है. तो इट्स लाइक वेरी यूनिक इन्फॉर्मेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम हर टुडे, एंड थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू टू कमिंग टू द चैनल और आपने शेयर की अपनी नॉलेज और इनकी पूरी जर्नी है. तो आप बॉलीवुड लोकल टाइप कीजिएगा यूट्यूब पर, वहां पर आप पलक जैन फ्लूट आर्टिस्ट, इनका सारा इंटरव्यू देख सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इनसे जान भी सकते हैं और भी बहुत सारे गाने प्ले कर सकती है जो ये हमें प्ले करके दिखाएंगे इनसे. और आप वेबसाइट पर इनका पूरा आर्टिकल भी चेक कर पाएंगे, www.bollywoodlocal.com. तो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच आने के लिए बॉलीवुड लोकल में. थैंक यू ऑल.